वैसे आप सोच रहे थे कि बिग बॉस सीजन 14 में जो लोग आते हैं वो कितने पैसे कमाते हैं, वो महीने के कमाते हैं, दिन के कमाते हैं या हफ्ते के कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में जहां पर आप देख रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स की भारी भरकम फीस। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कमागिनी गेम शो के रोहाल कैसे काम है, हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि बिग बॉस 2020 में सीजन 14 में कौन कितनी फीस ले रहा है। तो मैं शुरू करूंगा ऊपर सबसे कम रकम लेने वाले से, यानी कि सबसे कम फीस चार्ज करने वाले से, वो है हमारे सरदार जी पंजाब के पुत्र शहजाद देओल। 50,000 रुपये शहजाद देओल ले रहे हैं, 50,000 रुपये, ना दिन के ना महीने के, हफ्ते के। जी हाँ, हफ्ते के 50,000। तो यानी कि अगर वो 2 हफ्ते में निकले तो 1,00,000, 3 हफ्ते में निकले तो 1,50,000। शहजाद देओल 50,000 एक हफ्ते। जान कुमार सानू, कुमार सानू के साहब के पुत्र, 80,000 रुपये हफ्ता, यानी कि 30,000 ज्यादा शहजाद देओल से। 80,000 रुपये ले रहे हैं हफ्ते के जान कुमार सानू। इसी के साथ 20,000 और अगर आप ऐड करें तो राहुल वैद्य, जिनको आपने इंडियन आइडल में देखा, उसके बाद काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स में भी देखा, राहुल वैद्य ले रहे हैं 1,00,000 रुपये हफ्ते के। उसके बाद 20,000 और बढ़ाइए, चलिए ऐसा 20,000 करके लगता है बिग बॉस ने इस साल रकम बढ़ाई है, तो 20,000 और बढ़ाएं तो 1,20,000 ले रही हैं। ओहो, निक्की तंबोली, निक्की तंबोली 1,20,000, लेकिन फिर भी बहुत कम है। फिर 30,000 ऐड कीजिए, 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपये ले रही हैं पवित्र पुनिया। जी हाँ, उसी के साथ अगर हम बात करें अभिनव शुक्ला, जो कि कपल है अभिनव शुक्ला और रुबीना दलक, उसमें जो अभिनव शुक्ला है वो ले रहे हैं सेम जितना पवित्र पुनिया ले रही है, 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब एजाज खान ले रहे हैं 1,50,000 से 30,000 ऊपर, यानी कि 1,80,000 हफ्ते के। ये लोग जो हैं हफ्ते के ले रहे हैं इतने पैसे, 1,80,000। अगर आप इन्हें देख रहे हैं टीवी सेट्स पर तो सोचिए हफ्ते के कितना कमाते हैं। इसीलिए लड़ रहे हैं कि ये हफ्ता नहीं अगला हफ्ता, इसलिए एजाज खान गुस्से में था, पवित्र पुनिया को कहता है मुझे नॉमिनेट किया, क्योंकि हफ्ते के 1,80,000 जो कमाने थे एजाज खान को। इसके बाद है 20,000 और ऐड करें, इस बार बिग बॉस ने कमाल कर दिया, 20,000 30,000 20,000 30,000, बस इतना ही बड़ा है, बहुत नेगोशिएशन चलिए लगता है फीस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, निशांत सिंह मलकानी 2,00,000 रुपये। जी हाँ, निशांत सिंह मलकानी ले रहे हैं 2,00,000 रुपये हफ्ते के। सारा गुरपाल जो निकल गई है, एविक्ट हो गई है, 2,00,000 रुपये वो भी ले रही थी। जासमिन भसीन, ओहो आपकी फेवरेट, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जासमिन भसीन 3,00,000 रुपये ले रही हैं ये, 3,00,000 रुपये हफ्ते के, यानी कि अगर 3 हफ्ते 9,00,000, 5 हफ्ते अगर ये रह गई 15,00,000 रुपये। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम। उसके बाद अगर विनिंग अमाउंट भी अगर इन्हें 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50,000 50,00,000 या 50,00,000 या 80,00,000 जो भी मिलता है वो, क्योंकि डिस्प्यूट होता है, उसके बाद सलमान खान जो है वो आके इन्हें डरा देते हैं। सारा गुरपाल के बाद मैंने आपको बताया जासमिन भसीन। अब सबसे बड़ा बड़ी रकम ये देखिए, आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो मैं देख रहा हूँ ये सारे नाम हैं, रुबीना दलैक ले रही है 5,00,000 रुपये। जी हाँ, 5,00,000 रुपये पूरे सीजन के नहीं, 5,00,000 रुपये हफ्ते के, 2 हफ्ते बिता चुके हैं, 10,00,000 रुपये इनकी जेब में आ चुके हैं। जहाँ उनके पति अभिनव शुक्ला 1,50,000 रुपये कमा रहे हैं, वहीं हमारी रुबीना दलैक जो है टॉप कंटेस्टेंट में आती है फीस के माध्यम से, जहाँ पर वो ले रही हैं 5,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपीज पर वीक, 5,00,000 रुपये हफ्ते के। क्या कहना है दोस्तों आपका, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैंने आपको यहाँ पर बताया है सभी कंटेस्टेंट्स की फीस एक हफ्ते की, यानी पर वीक इनको मिलता है, हफ्ते के हिसाब से इन्हें मिलता है। तो 50,000 से लेकर 5,00,000 तक के लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं टीवी सेट्स पर बिग बॉस सीजन 14 में। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।